एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? आप लोग सब खैरियत से होंगे? और मैं हूँ शगुफ्ता अली, वो कैश सॉल्विंग सदर में आपको वेलकम करते हैं। सो गाइज, आज हम वेब डेवलप सीरीज के अंदर लोडर क्रिएट कर रहे हैं बहुत ही ईजी और अमेजिंग वे के अंदर। सो वीडियो को एंड तक देखिएगा, बहुत ही ईजी सा मैथड है। सबसे पहले जो है यहाँ पर एक क्लास बनाते हैं लोडर की, सिंपल इसको जो है वो एक्टिव कर लेंगे। इसी के बाद हम एक शेडो की क्लास बना लेंगे। बस आपने सिर्फ इतना ही काम करना है HTML के अंदर। ओके, यहाँ तक आपने काम कंप्लीट कर लिया ना, मूव ऑन दिस CSS। सो बहुत ही ईजी और अमेजिंग मैथड है, बहुत आसानी से यू कैन क्रिएट अ लोडर इन अ वेरी ईजीएस्ट वे। सबसे पहले बॉडी में मिनिमम हाइट प्रोवाइड कर देते हैं। सो यहाँ पर ऑब्वियसली वी आर गोइंग ऑलवेज यूज 100 VH। इसी के साथ साथ मार्जिन रख रही हूँ मैं 0। सो वी आर गोइंग टू गेट द मार्जिन इज 0। इसी के साथ साथ डिस्प्ले को गाइज हम फ्लैक्स कर देते हैं। सो जस्टिफाई कॉन्टेंट सेंटर्ड। सो फ्लैग डायरेक्शन को वी आर गोइंग टू कन्वर्ट इन अ कॉलम। अलाइन आइटम को हम सेंटर कर देते हैं। सो फिलहाल हम बैकग्राउंड रखते हैं वाइट। फॉन्ट फैमिली हम फिलहाल सैंस लाइफ रखते हैं, डिपेंड ऑन यू, आप कोई सी भी फॉन्ट फैमिली सेलेक्ट कर सकते हैं। इसी के साथ हमने क्लास बनाई थी शेडो की। सो हाइट रखते हैं हम इसकी 10 PX, विड्थ हम रखते हैं 30 PX, बैकग्राउंड रख लेते हैं ब्लैक, शेडो क्योंकि शेडो है दैट्स वाई। We are going to implement the filter blur 10 PX बहुत है। सो एनिमेशन प्रोवाइड कर देते हैं। फॉरवर्ड्स शैडो थ्री सेकेंड्स। सो मूव ऑन द लोडर, वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट द बैकग्राउंड RGB। सो 248 रेड, ग्रीन आप इम्प्लीमेंट कर देते हैं 196 टैप, ब्लू भी हम 196 होल्ड कर लेते हैं। इसी के साथ साथ ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट 0 माइनस 50 PX। सो वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट द जेड इंडेक्स 1, हाइट हम रखते हैं 50 PX। इसी के साथ साथ वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट द विड्थ, बॉर्डर रेडियस हम इम्प्लीमेंट कर देंगे 50%। सो इम्प्लीमेंट हियर द बॉक्स शैडो। सो यहाँ पर RGBA रख लेते हैं और हम सब वैल्यू को 0 रखेंगे बाय प्रेसिंग टैप। अल्फा के अंदर वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट 0.5 रख लेते हैं हम अल्फा, थोड़ी सी ट्रांसपेरेंसी के लिए। सो एनिमेशन पर आते हैं अगेन एंड देन फॉरवर्ड्स 3 सेकेंड। सो नेक्स्ट एनिमेशन इज होप। सो गाइस, सबसे अभी हम यहाँ पर हम सिंपल की फ्रेम्स ऐड कर लेंगे और यहाँ पर सो आइडेंटिफायर के अंदर सबसे पहले वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट द शैडो। सो की फ्रेम ओपन कर लिया हम लोगों ने। सो हम यहाँ पर सबसे पहले शैडो जो हमने क्रिएट किया था हम उसको यहाँ कॉल करेंगे 0% पे। सबसे पहले विड्थ रखते हैं हम 50 PX एंड देन ओपेसिटी को हम 1 कर देते हैं। इसी के साथ साथ मूव ऑन दी 25%,
again with 30 px, and then opacity ko hum again 1 kar dete hain. Isi ke saath saath we are going to implement 50%, and again with hum balki ek kaam karte hain, hum yahan par transform kar dete hain kyunki shrink aur humne jo hai wo decrease size kar li hai. ट्रांसलेट वाई एक्सिस पे ले लेती हूँ मैं 0. इसी के साथ अगेन ओपेसिटी को मैं 1 कर देती हूँ. 75% पर आ जाते हैं. विथ 50 px रख देते हैं. एंड अगेन ओपेसिटी हम 1 कर देते हैं. सो मूव ऑन दी 100%. कैपेसिटी को हम 0 कर देते हैं. ठीक है जी. मूव ऑन दी नेक्स्ट की फ्रेम्स पर आते हैं, और यहाँ पर अब हम होप हमने एक और की फ्रेम जनरेट किया था उस पर आ जाते हैं. सो सबसे पहले गाइस हम यहाँ पर 0% पे रख के कुछ ट्रांजिशंस को गो थ्रू करेंगे. थोड़ी सी लेंथी ट्रांजिशन है इसकी. तो सबसे पहले 0% पर आ जाते हैं. सबसे पहले ट्रांसफॉर्म करते हैं इसको. ट्रांसलेट वाई एक्सेस अगेन 0. इसी के साथ साथ विद 50 पी एक्स, एंड अगेन प्रोवाइड हियर द हाइट एज वेल 50 पी एक्स. इसी के साथ साथ बॉर्डर रेडियस 50%, क्योंकि हमें राउंडेड में चाहिए लोडर. सो इसको 50% कर देंगे. ठीक है जी. मूव ऑन दी 25%. सो अगेन ट्रांसफॉर्म, ट्रांसलेट वाई एक्सेस. सो यहाँ पर हम -50 पी एक्स रख लेते हैं विद अगेन 50 पी एक्स, एज वेल एज हाइट को भी हम 50 पी एक्स ही रख लेते हैं. एंड देन इम्प्लीमेंट द बॉर्डर रेडियस एज वेल अगेन 50%, because we require in the rounded shape. Move on the 50% keyframes पर आ जाते हैं. अगेन ट्रांसफॉर्म, ट्रांसलेट y को रख लेते हैं. सो ट्रांसलेट y को 6px होल्ड कराते हैं. इसी के साथ साथ विद हम रख देते हैं 50px, एंड आफ्टर दैट हाइट इज 44px. इसी के साथ साथ वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट अगैन द बॉर्डर रेडियस इम्प्लीमेंट कर देंगे आप. सो इम्प्लीमेंट हेयर द बॉर्डर रेडियस 50%. ठीक है जी. सो मूव ऑन द 75 भी वैसे रहेगा, बस हम ट्रांसफॉर्म को चेंज कर देते हैं, बल्कि इसको कॉपी कर लेते हैं. सो यहाँ पर आकर 75% ओपन कर लेते हैं, और सिंपल कुछ नहीं करना. जो भी आपकी ट्रांसफॉर्म है उसको हम 6 था, हम इसको चेंज करके -50 पर, या जो भी अपने हिसाब से आप रखना चाहें. मैं यहाँ पर -50 कर देती हूँ, वो आप अपने हिसाब से चेंजेस कर सकते हैं. ओके जी. इसी के साथ इसी के साथ मूव करते हैं अब 100% पे. बल्कि एक काम करते हैं, 90% एक और ले लेते हैं बॉर्डर रेडियस, उसको थोड़ा सा रिड्यूस कर देते हैं. सो यहाँ पर मैं 90% पे अगेन बॉर्डर रेडियस ले रही हूँ. अब बॉर्डर रेडियस को वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट 20%. थोड़ा सा ब्लॉप स्टाइल के अंदर प्रोवाइड हो जाएगा ये. 100% पर आते हैं विद हम रखते हैं 100%. इसी के साथ साथ वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट हाइट 100 VH, एंड आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट द बॉर्डर रेडियस ऑन द 0%. सो यहाँ पर 0 पर आ जाते. तो यहाँ तक हमारा काम जो है वो फिनिश हो गया गाइस.
अब हम इसका प्रीव्यू आपको दिखाते हैं, देन वी आर गोइंग टू सी द फाइनल रिजल्ट। लेट्स सी। सो इसको रन कराते हैं, बहुत ही इजी और इंटरेस्टिंग सा मेथड आपके सामने डिज़ाइन हो गया। लोडर वॉन्ट टू इम्प्लीमेंट द ब्लैक कलर, ग्रे कलर, डिपेंड ऑन यू। नाउ यू कैन सी जैसे ही आप इसको रिफ्रेश कर रहे हैं, यहाँ लोड हो रहा है और फ़ौरन से आपका लोडिंग पेज, जो भी आप स्प्लैश स्क्रीन बनाएंगे, देन वो एक्टिव हो जाएगी। इसको थोड़ा सा मैं रिसाइज करती हूँ। नाउ यू कैन सी मैं थोड़ा सा इंक्रीज़ किया। नाउ बहुत ईजी मैथड से आपका एक लोडर एंड स्प्लैश स्क्रीन डिज़ाइन हो जाती है, और फिर बहुत आसानी से आप इसको रन करा सकते हैं जिस तरीके से हमने डिज़ाइन किया। तो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड ईजीएस्ट वे, लोडर बहुत आसानी से बना सकते हैं। आई होप का इस लेक्चर क्लियर हो गया होगा। सो लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, गुड कमेंट पास करते रहें। वी नीड ऑल योर सपोर्ट एंड लव। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।